हाय, आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुबह सभी लोगों ने स्टोरीज में व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे देखा होगा कि कैसे सारे ही लोगों ने अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की तरह ड्रेसअप करा हुआ है और उनके घर में पूजा हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की तरह ड्रेसअप करना चाहते हैं या उनकी तरह बनाना भी चाहते हैं? तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं क्या थी, जिसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है और कोई समझता नहीं होने। हम यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए ये 16 कलाएं हैं क्या। और वीडियो के एंड में आप भी बोलें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो, जो इनकी पहली कला है ना, वो है श्री संपदा, जिसको हिंदी में बोला जाता है। उसका मतलब होता है वेल्दी। और वेल्दी वो इंसान नहीं होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे या रिसोर्सेज होते हैं। वेल्दी वो इंसान होता है जिसके घर पे यदि कोई अपनी फरियाद लेके आए, अपनी प्रॉब्लम लेके आए और वो इंसान उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो, और अगर ना भी सॉल्व कर पाए तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। एक कहानी आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के घर में एक बार दिन में एक खिलौना बेचने वाली औरत आई, तो उसने कहा कि आज सुबह से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है, तो क्या आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुम्हें थोड़े चावल दे देता हूँ। और वो चावल लेके आते हैं अपने घर से, आधे से ज़्यादा तो उनकी मुट्ठी से गिर जाते हैं और छोटे छोटे हाथ से उन्होंने कुछ चावल उसकी टोकरी में डाल दिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा चलो आज यही सही। जब घर गई तो उसने देखा कि वो चावल जो है हीरे में कन्वर्ट हो चुके थे। ये एक ओरिजिनल कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट आपके सामने है भू संपदा, जिसको हम बोलते हैं रूलर ऑफ द ह्यूज लैंड। द्वारिकाधीश थे ये और इनके में लिखा हुआ था हाथों में कि आप एक दिन बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बनोगे। और उसके बाद कैसे इन्होंने द्वारिका पे राज करा और कैसे वहाँ के राजा बने, जिन श्री कृष्ण को आज हम द्वारिकाधीश के नाम से भी जानते हैं। तीसरी क्वालिटी जो इनके अंदर थी वो थी कीर्ति संपदा, यानी कि फेम। इनको बहुत सारा फेम मिला हुआ था और फेम ऐसा मिला हुआ था इनको कि ये जहाँ भी जाते थे, जो भी बोलते थे, जिससे भी बात करते थे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। वो क्वालिटी इनके अंदर थी वो। और ये क्वालिटी ऐसे नहीं आ जाती है कि आप बैठे हुए हो घर पे, आपके बच्चे को आपने श्री कृष्ण बना दिया और वो क्वालिटी उसके अंदर आ गई। आपको सर्टेन क्वालिटी डेवलप करवानी पड़ेगी अपने बच्चे में, सर्टेन नहीं तो कम से कम एक क्वालिटी ऐसी डेवलप करानी पड़ेगी जिसका वो मास्टर हो, जिस चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो साइंस हो, कुछ भी हो, लेकिन तभी आपके सामने फेम आएगा। बैठे बैठाए फेम नहीं आएगा आपके पास। जो अगली क्वालिटी है इनकी वो है कैप्टिवेशन, यानी कि वाणी सम्मोहन। वाणी सम्मोहन से हम समझते हैं कि ये इस तरह से बात बोलते थे, इस तरह से इतनी एनर्जेटिक, इतनी पॉजिटिव बातें बोलते थे बचपन से लेके अपने पूरे बड़े तक। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि ना चाहते हुए भी जो इनका दुश्मन भी होता था, जो कंस भेजता था, वो भी इनकी बात को एक बार सुनने लगता था और समझने लगता था यार कुछ तो है इनकी बात में। ठीक है, तो बोलने का एक तरीका होता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। 2+2=4 होता है, ये आपको दुनिया का कोई भी टीचर बता देगा, लेकिन उसको बताने का और प्रेजेंट करने का तरीका आपका इतना पावरफुल, ग्रेसफुल, पॉजिटिव होना चाहिए कि हर इंसान उस बात को सुने। अब इनकी अगली कला थी लीला, यानी कि मिरेकुलस। इनकी लीलाएं तो किसी से छुपी नहीं है, सभी कहते हैं कृष्ण की लीला, कृष्ण ही जाने। एक बार इन्होंने मुंह खोला था और इनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड था। आप ब्रह्मांड का मतलब समझते हो ना, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अर्थ इतना सा है, सौर मंडल इतना है और ब्रह्मांड इतना बड़ा है, और उससे भी बड़ा मल्टीवर्स है जो कि इनके पूरे मुँह के अंदर था सिर्फ। अगली जो कला इनके अंदर आती है वो है ग्रेस। ग्रेस यानी कि कांति। कांति का मतलब ये ऐसे दिखते थे, ऐसे प्रेजेंटेबल थे, इनके चेहरे से एक नूर टपकता था। नूर का मतलब आप समझ लो ना, जैसे कि इनके चेहरे पे एक एनलाइटमेंट थी, और ये एनलाइटमेंट उसी के चेहरे पे हो सकती है जो बहुत पॉजिटिव हो, जो बहुत ही सही हो, जिसके दिल में कोई भी छल कपट, कोई भी मैल ना हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा और हमेशा ही दूसरों को भी और अपने आप को भी प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहेगा, इसके मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग ना हो, एक पर्सन भी उसके मन में ही ये चीज़ हो सकती है। अगली जो इनकी कला है वो है एजुकेशन, यानी कि विद्या। और इनको हर तरह की विद्या थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपका म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे लव हो, किसी भी तरह का हो, इनको हर तरह की एजुकेशन प्राप्त थी और बहुत ही कायदे से इन्होंने एजुकेशन ली थी। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के जो टीचर थे उनका नाम क्या था। देखो, अगली क्वालिटी इनकी आती है प्योर हार्टेड, यानी कि विमला। विमला का मतलब होता है प्योर हार्टेड। ये बहुत ही साफ दिल के थे, इनके मन में कोई भी छल कपट बैर नहीं था, सबको जो है मोक्ष और मुक्ति दिलाने आए थे। आपने एक सॉन्ग सुना होगा,
हमने सुना है शाम मीरा को तारा, वीना का करके बहाना शाम हमको भी तारो, इस तरह से इन्होंने कई लोगों को तारा है। और तारने का मतलब होता है मोक्ष दिलाना, मोक्ष का मतलब होता है बर्थ और लाइफ की साइकिल से फ्री कर देना। देखो नेक्स्ट क्वालिटी है इनके सामने उत्कर्षणी, यानी कि इंस्पिरेशनल, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होगा वो कितना इंस्पिरेशनल हो सकता है, सामने वाले को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अगली क्वालिटी इनके सामने आती है नीर शीर विवेक, जिसको बोलते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब था एकदम विजडम, विजडमफुल एक्ट करना, अपने दिमाग से सोचना, कुछ भी किसी के लिए नहीं कर देना। कि कोई भी आपके द्वार पे आया, उसने बोला कि भगवान कृष्ण हमें ये दे दो, तो आपने उसको उठा के दे दिया, अरे ये तो मेरा भक्त है, ऐसा नहीं है। सोच समझ के किसके लिए क्या सही है, किसके लिए क्या सही नहीं है, उसको वो देना। अभी मेरे पास कोई भी BMW नहीं है, कोई भी बड़ी कार नहीं, कोई बड़ी फंडिंग नहीं है, तो भगवान ने मेरे लिए यही सोचा होगा, तो मैं इसी में खुश हूँ कि ठीक है, जो भगवान ने मेरे लिए सोचा है वही होगा। अगली जो इनकी कला आती है वो सबसे बढ़िया है, जो आज के लोगों को सीखनी चाहिए, वो है कर्मण्यता, यानी कि लीडर नॉट बॉस। ये करके दिखाते थे, ठीक है। इनका काम ये नहीं था कि सिर्फ मैं उपदेश दे दूं लोगों के सामने। देखो सबसे आसान काम है इस दुनिया में होठों को चलाना, ठीक है, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे होठों को चलाओ और खूब सारे पैसे बटोरो, ये इनका काम नहीं था, ये करके दिखाते थे, ठीक है। इन्होंने करा और उसके बाद दिखाया लोगों को कि आप भी ऐसे कर सकते हो, और फिर लोगों ने इनको फॉलो करा, ठीक है। तो ये लीडर थे, ये बॉस नहीं थे किसी के। देखिए अगली इनकी कला थी योग शक्ति। योग शक्ति का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और इस शरीर को जो है अपनी आत्मा से जोड़ना। तो एक चेन बना दी थी इन्होंने, आप समझ रहे हो, आपको योग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड मन एकदम फिट रहे। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी फिट है तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी लाइफ अच्छी है। सिर्फ दो चीज़ें आपको सही करनी है, एक आपका शरीर और एक आपका माइंड। अगर ये दोनों फिट है तो सब फिट है, क्योंकि ये कला आपको अपने ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विनय। इनके अंदर ईगो नहीं था, पूरी महाभारत उठा के देख लो, कृष्ण लीला उठा के देख लो, इनके पास इतनी शक्ति थी, लेकिन कभी भी इन्होंने जो है ईगो नहीं दिखाया, अहम नहीं दिखाया, कभी भी ये नहीं बताया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। हालांकि लास्ट में इन्होंने ये बात कही है इंसानों को समझाने के लिए कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और जो मैं लिखूँगा वही होगा, जैसा मैं कहूँगा वही होगा। ये बात इन्होंने इंसानों को तो सिखाई है, लेकिन जब इन्होंने जन्म लिया था, जब भी इनका अवतार हुआ था, तो ये बात इन्होंने कहीं नहीं शो करी, और बहुत ईगोलेस, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम्बल रहते थे ये। देखिए अगली जो कला है इसको तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इसका नाम है सत्य धारण, यानी कि ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस का ये मतलब नहीं है कि आप जो भी सच है जाके सबके मुंह पे बता दो, लेकिन जो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, जो चीज़ आपको ख़राब लग रही है या सही लग रही है और आपकी लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो या कुछ भी हो। आपको गलत नहीं सहना चाहिए और आपको झूठ कभी नहीं सुनना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। इस शरीर के ऊपर जो है आपके ऊपर भगवान ने एक मटका रखा है, वो है आपका सर, और उसके अंदर है एक छोटी सी चीज़, वो है आपका दिमाग। आपको अपने दिमाग से ही सोचना चाहिए और यहीं पे आता है सत्य धारण। जब आप अपने दिमाग की सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है, तभी आपको सत्य धारण होगा, आप दुनिया की बातें मत सुनिए। देखिए नेक्स्ट आता है अधिपत्य, यानी कि हेजमोनी एंड लॉर्डशिप। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने कब्जा कर लिया था किसी लैंड पे, लेकिन ये इतने इन्फ्लुएंशियल थे, इतने ट्रुथफुल थे, इतने ही ये सही इंसान थे कि इनके अंडर में सारे लोग अपने आते चले गए। मतलब हर इंसान को लगा कि यार मैं इनके अंडर में रहूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। जैसे कि अगर आप देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है पुराना वाला, ठीक है, 2011 का वर्ल्ड कप, अब सचिन आउट हो चुका है और ये अपना सहवाग आउट हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि युवराज खेल रहा है, धोनी खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मैच जीत जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक फीलिंग आ गई, आपका फियर जो है चला गया। तो इनके अंडर में आके क्या हुआ है कि लोगों का फियर चला जाता था, ठीक है, और चला जाता है आज की भी डेट में। तो यहाँ पे लॉर्डशिप इनको इसी वजह से मिली है, अधिपत्य इनको इसी वजह से मिला है, इन्होंने किसी से छीना नहीं है, किसी से मांगा नहीं है, इनको अपने आप मिला है, ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना अधिपत्य करते हैं तो वो लॉर्डशिप या हेजमोनी नहीं होगी, ठीक है। जो इनकी हेजमोनी और लॉर्डशिप है वो है अधिपत्य के रूप में, यानी कि जो इनको अपने आप मिला हुआ है। देखिए अगला आता है अनुग्रह क्षमता, यानी कि वेलफेयर। अपनी शक्तियों के द्वारा ये जो है हमेशा लोगों का भला करते थे। यहाँ तो किसी की एक छोटी भी पावर आ जाए ना, पुलिस वाला नेता या छोटा मोटा कोई इंसान बन जाए ना, तो वो अपने आप को जो है कभी कभी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो है अपने आप को कभी कभी बहुत सर्वशक्तिमान समझने लगता है और सोचता है मेरे हाथ में पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इनके हाथ में पूरी दुनिया की पावर थी, लेकिन कभी भी इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल नहीं करा और वेलफेयर करा लोगों का, हमेशा ही वेलफेयर करा। जितनी भी आप कहानियाँ सुनोगे इनकी, जितनी भी लीलाएँ आप देखोगे, बस एक चीज देखोगे कि लोगों का वेलफेयर इन्होंने करा। तो उम्मीद करते हैं ये 16 कलाएं आप समझ गए होंगे इनकी क्या थी और किस वजह से इनको 16 कलाओं का स्वामी बोला जाता है। अब आप लोगों को भी मेरे साथ कहना पड़ेगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।